शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल कपास उत्पादन में गिरावट के बावजूद रिकॉर्ड रेट मिल रहा है। नांदेड़ जिले के मंडी में 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से कपास की खरीदी हुई है। दरों में वृद्धि से न केवल किसानों को लाभ हुआ है बल्कि बाजार समितियों की उत्पादकता भी बढ़ी है। पिछले 50 सालों में जो कपास की दर नहीं मिली थी वह इस साल मिली है। नजीतम उत्पादन में गिरावट के बाद किसानों को उम्मीद से अधिक प्राप्त हुआ है। वहीं अधिक खरीदारी के कारण मंडी समितियों को भी फीस के रूप में लाखों की धनराशि प्राप्त हुई है। इसलिए एक ही फसल का इतना दोहरा लाभ हो रहा है। नांदेड़ जिले के धर्माबाद की मंडी समिति को पिछले 4 महीने में 89,000 क्विंटल कपास की आवक प्राप्त हुई है, जिसके बाद मंडी समिति को 36 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। वहीं साफ था कि सीजन शुरू होने से पहले ही कपास के उत्पादन में गिरावट आएगी और कपास की मांगों में वृद्धि होगी। सही दरें मिलने की उम्मीद में किसानों द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इससे मांग बढ़ने और अच्छी दरें भी मिलने की उम्मीद है। दाम बढ़ने के बावजूद किसानों ने कपास बेचने के बजाय भंडारण का सहारा लिया था, जिससे बाजार में किल्लत हो गई है। किसानों ने एक स्टैंड लिया था जिसकी अपेक्षित मूल्य वृद्धि तक कोई बिक्री नहीं होगी, तब तक कपास नहीं बेचेंगे। इसलिए कपास की 6,000 रुपए की कीमत सीधे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। कृषि उपज मंडी समितियों में खरीदी केंद्र शुरू होने के बाद भी व्यापारियों ने मंडी समितियों के परिसर में ही कपास खरीदना शुरू कर दिया है। इसलिए मंडी समितियों ने नीलामी के जरिए कपास बेचने का फैसला किया है। इसके अलावा बाजार समिति ने इस पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। इसमें किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। नीलामी की प्रक्रिया में अधिक दर प्राप्त हुई है और दूसरी ओर बाजार समिति द्वारा प्राप्त शुल्क में भी वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।